नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डंडई सब स्टेशन के समीप अज्ञान अधेड़ व्यक्ति की शव मिलने का हुआ पहचान। मृतक चिनिया थाना क्षेत्र के बिलैती खैर गांव निवासी के रूप में किया गया। डंडई से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। रविवार को अहले सुबह डंडई बिजली पावर सब स्टेशन के नजदीक एक पेड़ में रस्सी के फंदे से लटकता हुआ अज्ञात शव मिला था। इसकी पहचान चिनिया थाना क्षेत्र के बिलैती खैर गांव के तेतरिया टोला निवासी सत्यवर सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष के रूप में किया गया है। मृतक के परिजनों ने इसकी पुष्टि की है। घटनास्थल पर मौजूद मृतक के स्वजन उपेंद्र सिंह, विशाल कुमार सिंह, बाबूलाल सिंह ने बताया कि सत्यवर सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसे झाड़ फूक कराने के लिए शनिवार को रमना ले गए थे। शाम में अपने घर लौटने के दौरान एमके ईंट भट्टा के पास लगभग 5 बजे शौच का बहाना बनाकर वाराणसी से गायब हो गया था। हम लोग वहां उसे कई घंटों तक काफी खोजबीन किया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। थकार कर हम लोग अपने घर ले गए थे। इसके बाद आज हम लोगों को जानकारी मिली कि डंडई के विद्युत सब स्टेशन के पास एक फांसी के फंदे से एक अज्ञात शव बरामद किया गया है। जानकारी मिलते ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं। शव की पहचान किया गया है। इस मामले में थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल ने बताया कि शव होने की सूचना मिलते ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे। शव की पहचान कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया गया है। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने, खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज़।